नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में घमासान। दिया सीट बंटवारे को लेकर जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में भी अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ है। दोनों जगह पेच फंसा हुआ है। दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी अमित शाह जी दो दिन के लिए आए थे लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है। अब देखिए एक दो दिन में क्या होता है। आखिर में क्या महायुति की जो स्थिति चल रही है, किसको कितना सीट मिलेगा, महाविकास आघाड़ी में किसको कितना सीट मिल सकता है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी और जानेंगे कि महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव जो है किस बेसिक पर हो सकता है। सर क्या कहेंगे? सर सीट बंटवारा ही अभी तक पेच फंसा हुआ है, अभी चुनाव तो बहुत दूर है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था जी, इतना आसान नहीं है ये, और बगावत का भी मैंने दोनों तरफ मामला आएगा करके बोला था। सर मैं अभी बोलूं जी, सच्चाई ये है कि बीजेपी पछता रही है इनको लेके, ये अजीत दादा को और इनको लेके। तो पहले इनको मेजॉरिटी थी, एकनाथ शिंदे अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे जी, कोई तकलीफ नहीं थी। 175 लोग थे इनके साथ, तो अजीत दादा को लाने की भी ज़रूरत नहीं। अभी अजीत दादा बाहर से आते हैं और आपके, मराठी बोलते हो ना, उरा और बसले, वैसे आपके सर के ऊपर बैठ के अभी बोल रहे मेरे को इतना सीट दो, उतना सीट दो, इतना। अरे भिखारी, तेरे को तो शरद पवार ने पिछवाड़े पे लात मारा था करके तू बम मारा था करके तू बाहर निकला ना। शरद पवार ने तेरा झीरो कर दिया, हीरो का करके तू बाहर निकला। भिखारी की तरह दिल्ली में जाके फडणवीस को दगा दे के, शिंदे को दगा दे के डायरेक्ट वहाँ पे बात की। अभी वो बात की है, उनकी गलती है जी, उनकी भी गलती है कि तुम फडणवीस को पता नहीं चलने देते, जो इंचार्ज है यहाँ का, शिंदे को पता नहीं करने देते कि भाई अजीत दादा से हमारी बात हो रही है, वहाँ से थोपते उसको ऊपर। और वो आने के बाद भिखारी साला मालिक बन के ये बात करता है कि मेरे को जितना सीट, भुजबल तो बोला कल ना कि जितना सीट शिंदे को देंगे उतना हमको चाहिए। शिंदे ने सरकार बना के दी उनको, जी जी बिल्कुल, उसमें जरूरत, हमारे आने से कोई फर्क पड़ा नहीं है। अजीत दादा उस समय अगर आप करते थे तो, हाँ उस समय आप आते थे तो आप मुख्यमंत्री बनते थे। आए भी थे ना 2019 में? नहीं नहीं, वो अलग है, वो शरद पवार के पिल्लू करके आए थे, वो कांगारू था, ये कांगारू का पिल्लू था जी, उनका अपना अस्तित्व उसमें भी नहीं था। वो तो एक मेक को चुतिया बनाने का धंधा हो गया बहुत बड़ा, तीनों ने एक दूसरे को बनाया, वो छोड़ो वो छोड़ो। मगर अभी ऐसा है कि तुम हो कौन? शिंदे जी की ताकत जो है, कितने खासदार उनके साथ है, तुम्हारे साथ क्या है? फिर भी तुम उतनी सीट मांगते हो तो शिंदे साहब को भी तुम दगा देते हो। और बीजेपी वाले ना, मैं सर पीट रहे होंगे अंदर से कि कहाँ पनौती हम लेके आए अजीत दादा की, कोई जरूरत नहीं। सर मैं अभी इतना खुले तौर पे नहीं बोलता हूँ, मगर मुझे अगर आज मैं सच्चाई नहीं बोलूँ ना तो लोग मुझे दोष देंगे, बोलेंगे श्यामगिरी के चैनल पे आने के बाद तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपके यहाँ झूठ नहीं बोलता हूँ, सच ही बोलता हूँ, और जो सच है वो ही बोलता हूँ। सर ऐसा है कि अजीत दादा की वजह से बीजेपी की एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। हाँ, जिसकी वजह से लाए थे लोकसभा की मेजोरिटी भारी पड़ जाएगी। शिंदे साहब ने पूछा उनको कि भाई हम तो अच्छी तरह से सरकार चाहिए, अभी अंदर की बातें मैं कहाँ तक खोलूँ कहाँ तक नहीं खोलूँ मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। वो लोग भी मुझे कभी कभी बोलते हैं, यार तेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बोलना भी मुश्किल कर देता है, तो कुछ भी बोल देता है बाहर जो अंदर की बात है। सर शिंदे साहब ने इनको पूछा था कि इनको लाने की क्या ज़रूरत थी, पूछा था सर, फडणवीस को ही पूछा था और बाद में शाह साहब को भी पूछा था कि हम तो कंफर्टेबल थे, अच्छी तरह आपको हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम दोनों के साथ आने के बाद लोकसभा में भी आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, 42-45 वो मिलेगा। आप इनको लेके आए, बोझ बन गए वो, क्या फायदा है इनका आने का? सर उस समय इन्होंने बोला कि वो अभी हमारे फडणवीस साहब क्या संस्कृत विस्कृत यूज करते हैं, तो उन्होंने उनको बोला है, मैं अभी राजी खोल रहा हूँ एक एक, वो बोले अधिकस्यम अधिकम फलम, मतलब अधिक में अधिक हो जाए तो और अच्छा होता है। मगर सर ऐसा हो गया है कि ये अजीत दादा के आने की वजह से एक तो शिंदे गुट परमानेंटली अस्वस्थ हो गया, और इनके जो मुखर वक्ता प्रवक्ता हैं वो जब बोलते हैं कि शिंदे जैसा, तो अपने को शिंदे के बराबरी का मानते हैं ये, जबकि नहीं है, नहीं है। शिंदे के पास खासदार है, आमदार है, ठीक है, इनके पास आमदार है जी, मगर सर इनका टिकट वाटअप होने दो,
विधानसभा का और इसका लोकसभा का, सबसे पहले फूटेंगे अजीत दादा के लोग। शिंदे साहब के भी कुछ फूटने वाले हैं सर। संजय राउत की कल रात मेरी बात हो गई, अभी संजय सॉरी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उसने मुझे बताया अनिल कम से कम 8 खासदार शिंदे साहब के पर्सनली मेरे कांटेक्ट में है। वो बोलते हैं हम टिकट वहाँ से नहीं मिलता है तो क्या आप टिकट देंगे, ऐसा पूछ रहे हैं मुझे। मैंने बोला वो आप उधर का टिकट लेने की आशा में जब तक है तब तक मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। आप आज अगर आते हैं जहां से आप चुन के आए वहां से बिना प्रतीक्षा किए कि शिंदे साहब से आपको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आपको झनक तो लग गई है कि आपको मिलने वाला नहीं है, तो आज आ जाओ मैं आपकी गारंटी देता हूँ। ये संजय ने उनको बताया और ऐसे 8 खासदार शिंदे गुट के हैं जो आज की तारीख में जाने को ठाकरे के पास तैयार है। पिछले दिनों सर मैं वीडियो बनाया था अकेले में, अच्छा उसमें सब दिखाया था कि 8 सांसद सात सिंधे के सांसद हैं जिनको टिकट ही नहीं मिलने वाला है और वही होंगे मेरे लगता है। वो आपका मेरा ये अलग है, मैं तो कोट कर रहा हूँ जी, ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ मैं प्लेस के साथ। आपने गेस किया लोग, नहीं लोकसभा के सीट के जहाँ का नहीं सर, ऐसा हो गया है सीढ़ी है पालघर है सर, कैसे है ना कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ जाना नहीं चाहिए था। हमारे एक मित्र हैं बहुत ओरसेकर, उन्होंने फडणवीस को भरी सभा में बोला था कि आप अकेले चुनाव लड़ो, आपके 145 नहीं 175 आएंगे, आप शिवसेना के साथ जाएंगे तो 125 हो जाएंगे, 105 हो गए, 105 हो गए। सर आज भी मैं बोलता हूं अगर शिंदे साहब और अजीत दादा को बाजू में रख के सब 48 सीट अगर बीजेपी लड़ती है जी। सर 42 सीट 40 सीट आएगी उनकी अकेले की बिना किसी की मदद, और अगर वो शिंदे साहब के साथ रहते हैं जी तो भी मैं गणित थोड़ा अलग बनाऊंगा, फिर भी उनकी 40-42 आ जाएगी। और ये अजीत दादा जो है ना, अभी क्या हो गया है ना कि अजीत दादा की वजह से निगेटिव फैक्टर फैल रहा है। जो मराठा समाज ये सोचते थे कि अजीत दादा की वजह से हमारे साथ आएगा, वो शिंदे साहब के पास है ना, है ना, शिंदे साहब के साथ भी है, वो भी मराठा है। अजीत दादा के दुश्मनी शरद पवार के साथ होने के कारण कोई भी मराठा अगर उनको चुनाव करना होगा, कल आप बोले कि मैं अजीत दादा के साथ जाऊंगा, नहीं वो शरद पवार के साथ जाएंगे। असली मराठा कम्युनल मराठा जातीयवादी मराठा सर, मुसलमान को ओवेसी लगता है अच्छा, मुसलमान को सेकुलर हिंदू सेकुलर मुस्लिम चलता नहीं है, उसको कड़वट 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 लगता है मुस्लिम, वो ओवेसी है। ये मराठाओं का ओवेसी है कौन? शरद पवार। शरद पवार मराठाओं का ओवेसी है। मराठा लोगों को जितनी कट्टरता चाहिए वो कट्टरता अजीत दादा में नहीं है। अजीत दादा का सरनेम अगर वो ब्राह्मण होते तो गोड़ बोले होता, कड़ू बोले भी है वो, कड़ू बोले भी है, मगर वो सबको ऐसा इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए सबको ये करने की कोशिश करता है, कड़वट मराठा स्पिरिट से काम नहीं करता है वो पवार साहब करते हैं। आज भी देखो ना उन्होंने जाके भाषण किए ये किए, उसमें वो दम मी शरद पवार विसरू ना का बोले, ये शेड़के करके एक सुनील शेड़के करके आमदार है, उसने वो मदन बाफना करके मेरे मित्र है वो बहुत पुराने ये है कांग्रेसी, वो तो उनको कुछ धमकी दी कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो वगैरह, तो शरद पवार स्टेज पे बोले मी शरद पवार विसरू ना का। सर वो इशारा सुनील शेड़के को है ही नहीं, वो अजीत दादा कि तुम बोलते हो तो मेरे कार्यकर्ताओं को धमकी मत दो। बीजेपी ने पवार साहब को ही तोड़ने के लिए अजीत दादा को अपने साथ में लिया नहीं लिया सर, डायरेक्ट सर देखो जी दलाल की जरूरत नहीं है बीजेपी को, वो बीच का दलाल से कोई कबात नहीं करते हैं, ना आर्थिक व्यवहार में करते हैं ना राजकीय व्यवहार में करते हैं, उनका डायरेक्ट शिंदे साहब के साथ वो बात करते थे, थोड़ा शिंदे साहब के किसी चमचे से बात करते थे जी, नहीं किए। मोदी शाह ने किससे बात की? शिंदे से की। अजीत दादा का कोई दलाल था क्या बीच में? प्रफुल्ल पटेल वगैरह इतने दलाल है उनके पास, गया था क्या कोई? नहीं नहीं, डायरेक्ट अजीत दादा से बात की। तो पवार साहब तो 4 बार मिल चुके थे उनको, कुछ बातें तय भी हुई थी, और शरद पवार का कोई दलाल नहीं है दुनिया में, उनकी बेटी भी नहीं है जी। शरद पवार खुद बात करते हैं और बात तोड़ते भी है, भरोसा तोड़ना कोई उनसे सीखे, किसी का भरोसा जीतना भी उनसे सीखे और तोड़ना भी, भरोसा कर ही नहीं सकता ना सर,
नहीं के ऊपर सर देखो चार बार बीजेपी उनके जाल में फंस गई शरद पवार के, तभी तो ये सब हुआ ना। पार्टे का शपथ विधि भी है वो शरद पवार के भरोसे ही था, तो वो फंस गए कि नहीं। तो शरद पवार एक ही आदमी को चार बार चुतिया बना सकते हैं, ये उनकी खासियत है। भाई आदमी ऐसा बोलते है कि एक बार फंस सकता है, बार 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 कैसे फंसेगा, मगर ये कला पवार साहब में है कि वो चार बार एक आदमी को फंसा सकते हैं। बीजेपी जैसे मोदी शाह को उन्होंने फंसा के दिखाया है, और आज भी तैयारी में, आज भी वातावरण में उन्होंने एक ऐसी पूरी छोड़ के रखी है कि भाई कल अगर कुछ अलग होता है तो मेरा भरोसा मत ना खो, मगर शायद कुछ अपने में हो सकता है। वो भी है भाई, शरद पवार को आज भी बीजेपी अपना हुकुम का पत्ता नहीं मांगती है, मगर राखियों पत्ता मानती है। राखियों गढ़ी है उनका, वो बारहवा गढ़ी होता है कि नहीं जी, वो बारहवा गढ़ी आज भी बीजेपी का शरद पवार है। बोलो अभी और कितनी खुद की वंचना करेंगे ये। तो चलो सर ये अभी यहाँ पे आते हैं। सर अभी ऐसा है कि बीजेपी अभी तो इनको छोड़ नहीं सकती, इनको सीट देना शिंदे गुट को और इनको, मतलब वो सीट गंवाना है। सर अभी सर, जितने सीट अजीत दादा को मिलेगी, मैं अभी चैलेंज करता हूँ सर आपको जी, बड़ा चैलेंज देता हूँ, अजीत दादा को 3-2, 5-2 कितना सीट देना है वो दो, अजीत दादा की सिर्फ एक सीट आएगी। कौन सी? लोकसभा में, बात में बोलता हूँ मैं अभी, अभी आज वो नहीं बोलना अच्छा क्योंकि वहाँ पे कोई है तो, और मैं लीक हो जाऊँगा। तो सर एक ही सीट आएगी, और कितना भी कष्ट करूँ, कितना भी कष्ट करूँ, शिंदे साहब से 3 और 5 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो 3 और 5 अगर उनकी आने वाली है तो उनको 10 देके क्या करेंगे, 5 सीट इनको जाएंगी फिर। सर देखो शरद पवार ने क्या किया है कि तुम्हारे उद्धव ठाकरे, जिसको हम उद्धवस्त ठाकरे बोलते हैं, उसको सबसे ज्यादा सीट दी है, 23 सीट लिया। मतलब वो नहीं मानते कि उद्धव खत्म हो गया, हम मानते हैं, हम जानते भी है। कांग्रेस ने कम लिया है, कांग्रेस नंबर 2 पे है और ये 3रे नंबर पे है खुद की राष्ट्रवादी, और 4थे नंबर पर वंचित है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ जी। तो सर शरद पवार का ठाकरे को ज्यादा सीट देना, इसका मतलब ये है कि ज्यादा सीट तुम लड़ो और कम से कम शिंदे से एक सीट ज्यादा लेके आओ। उन्होंने बोला है सर अंदर की बहुत बातें मुझे मालूम है, उन्होंने पवार साहब ने एक ये तुम्हारे ठाकरे को बोला है कि आप इतना ही करो, एक सीट ज्यादा लाओ, शिंदे से एक सीट ज्यादा आनी चाहिए, और मैं भी ये करूंगा कि अजीत से एक सीट मेरी ज्यादा होनी चाहिए। उनकी 2 आने वाली है जी, और साहब की 2 सीट पक्की है, एक तो अभी अपना क्या सुप्रिया की आएगी और कोले की भी आएगी, दोनों 50-50 हम बोलेंगे। नहीं नहीं आएगी, दोनों आएगी सर, दोनों 2 ही आएगी उनकी, बाकी तीसरी सर एक फार्मूला। सर मैं चाहता हूं कि बीजेपी अभी ना बहुत कड़वाहट लेगी। अभी ये जो बंद दरवाजे के पीछे जो मीटिंग हुए है ना, उसमें अमित शाह है ना, वो उनका कैसा ये रहेगा देखो, वो ऐसा मुंडी नीचे रखते हैं और ऐसा टेढ़ा देखते हैं, ऐसा टेढ़ा देखते हैं, एक बार अजीत की ओर देखा होगा, बोला जितना आपका हैसियत है ना उतना हम आपको देंगे, और आपकी हैसियत 3 सीट की है। शिंदे साहब को बोलेंगे कि 18 लोगों को संभालना, उनको कैसे ये करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, जिनको टिकट नहीं मिलेंगे उनको और क्या दे सकते हैं वो आप सोचो, मगर आपको किसी भी हालत में 5 या 6 से ज़्यादा सीटें देना, मतलब उतनी सीटें कम करके लेना है, हम नहीं देना चाहते। सर एक 8-2 और 38 का लिख हुआ है जो मामला, क्या सही है? 8-2 और 38 हाँ, मतलब 2 सीट अजीत दादा, 8 शिंदे साहब को और 38 खुद बीजेपी अपने पास रखना चाहते हैं। 38 जी हो सकता है सर, आसपास में होगा, आसपास में होगा, 35-38 हो सकता है, बट 35 के नीचे बीजेपी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी किसी भी हालत में, और अजीत दादा को 3 से ज्यादा नहीं और इनको 6 या 7 से ज्यादा नहीं। सर बीजेपी अकेली लड़ेगी ना तो भी 45 आएगी, इनके साथ जाने की वजह से कम हो रही, मगर अभी क्या करेंगे, साथ में है सर। ऐसा अगर फॉर्मूला निकलता ना जी कि महाराष्ट्र की सरकार बनी रहे और लोकसभा में ये सब अलग अलग लड़े, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो सर ऐसा हुआ था एक बार, हाँ हाँ,
ऐसा 2014 में हुआ था ना सर, शिवसेना अलग लड़ी, कांग्रेस सब अलग लड़े, कांग्रेस एनसीपी भी अलग, एक दिन में कांग्रेस और एनसीपी अलग हुए, जैसे ये अलग हुए वो भी अलग हो गए सर, राह ही देख रहे थे, शरद पवार को मालूम था कि ये अलग होने वाले, इसलिए वो किए थे। सर अभी मेरा तो आदर्श ये है कि बीजेपी अलग से चुनाव लड़े, शिंदे साहब अलग से लड़े, अजीत दादा अलग से लड़े, उद्धव ठाकरे अलग से लड़े, वंचित अलग से लड़े, शरद पवार अलग से लड़े और कांग्रेस अलग से लड़े। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर महायुति अलग अलग लड़ती है वो नहीं अलग होंगी, हाँ वो नहीं ले होंगी अलग, महाविकास वो तीन तो रहेंगे, पवार साहब, कांग्रेस और वही डर है वो, क्योंकि वो हाँ वो उनकी अगर टूटती थी तो एक बार ही सोचते, हाँ नहीं वो टूटेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं, और महायुति भी टूटने में कोई मतलब नहीं, नहीं। सरकार भी दोनों की दूसरी जरूरत है, बिखर जाएगी कम जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन इन दोनों को जो है बीजेपी का ही सहारा है सर, मगर सर सर एक खबर है, एक खबर को चार से पार जाना है ना, एक खबर उठ रही है जरा आप इसका खुलासा कर दीजिए कि रश्मि राय और नहीं रश्मि वहिनी और आदित्य जी मोदी से मिलकर काल्पनिक है सर, बिना संजय दिल्ली में रहे ये दोनों मोदी से नहीं मिल सकते, इनका मध्यस्थ दो दिन से ये वायरल हो रहा है, वायरल मैं भी कर सकता हूँ, अभी आप मुझे बोलो क्या वायरल करना है, उसमें मजा नहीं सर, उसमें मजा नहीं, और इसमें सच्चाई नहीं सर, रश्मि और आदित्य आर नॉट प्रॉपर, भेजने के लिए सही लोग नहीं है ना, भेजना तो दूसरे भी बहुत सारे हैं जिनका नाम भी नहीं आएगा कि जी, और चुपचाप मिलेंगे, और संजय अगर है तो उनको इनकी क्या जरूरत है मिलने की, संजय डायरेक्ट मोदी से कभी भी बात कर सकता है किसी और मुद्दे पर, मतलब दिखा के संजय का देखो बीजेपी में अगर किसकी चलती है तो आज भी संजय की चलती, भले वो नफरत करते हैं, फडणवीस तो नफरत ही करते हैं अभी उससे, उसके संजय के प्रति शिंदे और फडणवीस में कितनी नफरत है, पर्टिकुलरली फडणवीस से, मैं इसका सबसे बड़ा साक्षी था, इतनी छोटी सी प्रोटेक्शन की चीज़ उन्होंने ना कही देखी, मुझे कभी इन्होंने फडणवीस साहब ने किसी चीज़ के लिए ज़िंदगी में ना नहीं बोला, मैंने जब भी उनको बोला कि ये करना चाहिए करना चाहिए, हमेशा बोले सोचता हूँ करता हूँ, पहली बार उन्होंने मुझे ना बोला, बोले नहीं संजय को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, मोदी नाराज होंगे, ये भी बताया उन्होंने खुले दिल से और नहीं मिला उसको, ठीक है, मगर संजय का ऐसा है ना सर, क्या बोलो, संजय ने ही ये पत्ते का बंगला बनाया है, अभी तक वो बोल रहा है वंचित हमारे साथ रहेगी, वो इनके खिलाफ नहीं जाएगी, मगर मेरे अंदर की बात ये है कि संजय जान चुका है कि वंचित दगा देगा, और वंचित जगा दिया, ये अगले दो चार दिन में आप देखेंगे, तो मेरे को तारीफ करना, थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा था जो है महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के राजनीति में टिकट बंटवा रहे हैं, लोकसभा की टिकट बंटवा रहे हैं, चर्चा थी हमारी, आपको क्या लगता है कि सही बात है ये, जो एक तो रश्मिता ही वो झूठ है सर, वो झूठ 100% झूठ है, आप उसके ऊपर चर्चा भी मत करो जी, मत करो। सीट बंटवारे की चर्चा आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप जो है आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।